जाते थे। निराश और दुखी पति पत्नी यह सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपत्ति और वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन दोनों दुखी पति पत्नी ने विचार किया कि यह संपूर्ण धन संपत्ति तथा वैभव त्याग कर जंगल में चलकर निवास किया जाए। ऐसा विचार कर दोनों पति पत्नी अपना सब वैभव भगवान के ऊपर छोड़कर घर बार सब त्याग कर जंगल के लिए चल पड़े। वे दोनों चलते चलते थक जाते तो रुक कर विश्राम करने लगते, फिर आगे के लिए बढ़ते। इस प्रकार चलते चलते वे बद्रिक आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। शीतल कुंड के पास पहुंचकर दोनों पति पत्नी अन्न जल त्याग कर मरने के लिए बैठ गए। इस प्रकार अन्न जल छोड़कर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी के 7 दिन बीत गए। 7वें दिन उन दोनों को संबोधित कर आकाशवाणी हुई, तुम लोग इस प्रकार अपने प्राण मत त्यागो। तुम्हें जो दुख मिला है यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों के कारण मिला है। इस दुख से मुक्त होने के लिए अपनी पत्नी से अहोई आठे के दिन जो कार्तिक वदी अष्टमी को आती है उसका व्रत रखवाना। उसके प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आएगी, तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि में तुम राधा पुत्र स्नान करना। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। इसके बाद चंद्रभान की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा भक्ति विधि विधान से व्रत धारण किया, पूजन किया। व्रत के दिन रात्रि में दोनों पति पत्नी ने राधा कुंड में जाकर स्नान किया। तब राधा कुंड में स्नान कर दोनों पति पत्नी वापस आए तो अहोई देवी ने दर्शन दिए, वर मांगने के लिए कहा। इस प्रकार साहूकार चंद्रभान ने देवी से कहा, हे देवी, मेरे पुत्र उत्पन्न होकर अल्पायु में स्वर्ग सिधार जाते हैं, कृपया करके उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दीजिए। इस जंगल में गई, वह एक जगह देखकर मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह में वह स्त्री मिट्टी खोद रही थी उसी जगह एक सही की मान थी। अचानक स्त्री के हाथ की कुदाल सही के बच्चे को लग गई, वह तत्काल मर गया। ऐसा देखकर उस स्त्री को बड़ी दया आई, पर अब वह क्या कर सकती थी। वह अपने मन में पश्चाताप करती हुई दुखी होती हुई मिट्टी लेकर घर आई। इसके कुछ दिन बाद उसका बड़ा लड़का मर गया। इसके बाद उसका दूसरा लड़का भी मर गया। इस प्रकार एक एक कर उसके सातों पुत्र 1 साल के भीतर ही मर गए। वह अपने पुत्रों के वियोग में स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन रोते रोते उसने वृद्ध महिलाओं से आकर कहा, मैंने जानबूझकर अपने जीवन में अब तक कोई पाप नहीं किया। एक बार धोखे में ऐसा अवश्य हुआ कि मिट्टी खोदते समय अनजाने में एक सही के बच्चे के मेरी कुदाल लग गई और वह मर गया। उसके 1 वर्ष पूरा होने के पहले ही मेरे सातों पुत्र एक एक करके मर गए। उस स्त्री के ऐसा कहने पर उन वृद्ध स्त्रियों ने समझाते हुए कहा, तुमने जो यह बात 7 जनों के सामने कही है इससे तुम्हारे पाप का आधा भाग समाप्त हुआ, तुम्हारा आधा पाप धुल गया है। जीव करे उनकी आयु लंबी करे, उन्हें स्वस्थ रखे। जय हो माता के। माँ जी राम राम। राम राम भाई राम राम भाई राम राम। मैं को राम 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 राम। मैं तो चुपचाप बैठी लेती। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है आज अहोई माता का व्रत है। अहोई माता सभी के पुत्रों को या सभी के बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं और इसलिए सभी माताएं अपने बच्चों के लिए ये फास्ट रखती हैं। जैसा कि करवा चौथ का व्रत होता है इसमें सुहागन स्त्रियां अपने पति के लिए फास्ट रखती हैं उनकी लंबी आयु के लिए, इसी तरह से अहोई माता का व्रत सभी माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं उनकी लंबी आयु के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि दोपहर तक ये सारी कथा कहानी सुनने के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं। हमारे कहा जाता है कि ये व्रत दोपहर को 12 बजे तक ही होता है। लेकिन एक बार मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा जब आप पापा के लिए पूरा व्रत रखते हो तो मेरे लिए आधा क्यों रखते हो, और उसकी बात मुझे सही लगी। उसके बाद से मैं उसके लिए पूरा फास्ट रखने लगी हूँ और मेरे ख्याल से उसकी बात सभी को सही लगनी चाहिए कि जब हम पति की लंबी आयु के लिए पूरा फास्ट रखते हैं तो बच्चे की आयु के लिए क्यों नहीं रखते। तो अभी फिर मैं शाम को तारे दिखाई देने के बाद ही फिर मैं खाना खाऊंगी। और ये देखो मेरा प्यारा सा ये भी बच्चा है, इसको भी मैंने तिलक लगाया। इस व्रत में क्या होता है, यदि हमने बेटे की शादी की है तो पहली अहोई जब होती है तो उसमें जो भी पताशे वगैरह होते हैं उनकी भी साथ में पूजा करके और फिर उसे अड़ोस पड़ोस में बांटा जाता है। तो मैंने ये काम कर लिया। ये देखिए सारी पूजा की सामग्री रखी है, अपनी सास के लिए ननद के लिए साड़ी निकाल दी है और ये जो पतासे वगैरह होते हैं उन पे भी तिलक कर दिया और फिर ये पड़ोस में बांटे जाएंगे और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। नहीं।
मैं क्या उसमें मेरा भी